हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ताज और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप को हम और भी ज़्यादा फास्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फोटोशॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है तो उसे हमें और ज़्यादा कैसे फास्ट करना है, अपने फोटोशॉप को कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं कि जब भी हम फोटोशॉप में कोई भी काम करें तो उसमें ज़्यादा लोडिंग में टाइम ना ले और वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आपका काम हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे अपना फोटोशॉप ओपन करके रखा है। अगर मैं इस फोटोशॉप को क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से जब भी मैं क्लोज़ करके ओपन किया तो ये मेरे सिस्टम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोटोशॉप है वो विंडो 10 लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट होना चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा आपकी फ़ोटोशॉप फास्ट होने के लिए। और सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सिस्टम में रैम जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखिए। मिनिमम 8 GB रैम तो रखिए ही रखिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो प्रॉपर रैम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जितनी अच्छी रैम आपके पास होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका फ़ोटोशॉप काम करेगा। आजकल 2 GB 4 GB रैम तो फ़ोन में आते हैं, तो आपको एटलीस्ट अपने कंप्यूटर पर 8 GB रैम तो रखनी है। अगर आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका रैम जो है वो मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। 8 GB से कम अगर होगा तो फिर आपका फोटोशॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो चलेगा। अगर 8 GB है और 8 GB से ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करेगा आपका फ़ोटोशॉप। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये फ़ोटोशॉप को ओपन किया तो मेरे होम स्क्रीन में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सिस्टम स्लो होता है या फिर ग्राफिक कार्ड नहीं होता है तो उसकी वजह से जो हमारा होम स्क्रीन है वहाँ पे सिर्फ लोडिंग ही होती रहती है। वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं आता है, वो ब्लैंक हो जाता है। तो उसकी वजह से कई बार लोग बाग ये सोचते हैं कि फ़ोटोशॉप प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है या फिर उसको बार बार रीइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको यूज़ नहीं करते। तो देखिए, आपको इस होम स्क्रीन से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या अगर ये होम स्क्रीन प्रॉपर लोड नहीं हो रहा है तो देखिए आपको करना क्या है कि आप इस होम स्क्रीन को डिसेबल कर सकते हैं। यानी जो हमारा पुराना फ़ोटोशॉप का वर्ज़न होता था, जब भी वो ओपन करते थे तो उसमें टूल बार और आपका लेयर पैनल्स वगैरह जितने भी पैनल्स होते हैं वो सारे प्रॉपर सामने ही ओपन हो जाते हैं। तो इस नए फोटोशॉप में अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपको इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। जिसको बंद करने के लिए सिंपली ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में जाना है और प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे हमने अभी फ़िलहाल जर्नल में जाना है और हम यहाँ पे जर्नल में गए। यहाँ पे देखिए ऑटो शो द होम स्क्रीन का एक ऑप्शन है, आपको इसको डिसेबल कर देना है। और यहाँ पे देखिए प्लगइन्स का एक ऑप्शन है, इस प्लगइन्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे अलाउ एक्सटेंशन पैनल और अलाउ एक्सटेंशन टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट का एक ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अपना फोटोशॉप जो है वो रिस्टार्ट कर लेना है। देखिए, जब भी मैं अपना फोटोशॉप रिस्टार्ट करूँगा तो जो हमारा पुराना टाइप फोटोशॉप ओपन होता था टूल पैनल के साथ और अपना जो भी लेयर पैनल्स के साथ, तो देखिए ये वैसा ओपन हुआ। यहाँ पे कोई भी होम स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप अपने फोटोशॉप को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं कि आपका जो होम स्क्रीन में लोडिंग वाला जो टाइम लगता है उस तरीके से आप इसमें बच सकते हैं, है ना। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो होम स्क्रीन लोड हो रहा है तो आप ये सेटिंग कर नहीं सकते हैं। अगर वो होम स्क्रीन लोड हो रहा है तो भी आप इस सेटिंग्स को कर सकते हैं सेम प्रोसेस की तरीके से जैसा मैंने अभी आपको बताया। अभी हम आगे देखते हैं कि और किस तरीके से हम अपने फोटोशॉप को स्पीड अप कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने फोटोशॉप को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एडिट में ही जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जनरल में ही एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, इस परफॉर्मेंस के ऑप्शन में आपको जाना है। और यहाँ पे देखिए आपका एक परफॉर्मेंस का एक पेज ओपन हो गया, एक पैनल ओपन हो गया, ठीक है, एक विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए हमारा रैम जो है सिस्टम में कितना है वो दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए लेट्स यूज़, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये दिख रहा है कि हमारा जो फोटोशॉप है वो हमारे ओवरऑल रैम से कितने परसेंट रैम यूज़ कर रहा है। तो देखिए ये 70% रैम यूज़ कर रहा है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको मिनिमम 80% तक रखिए, जिससे आपका फ़ोटोशॉप जो है जब भी आप फोटोशॉप यूज़ करें तो हमारा जो रैम है
वो उसका 80% रैम का यूजेज वो सिर्फ फोटोशॉप ले, जिससे आपका फोटोशॉप में काम करना और भी ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाएगा। बार बार आपको लोडिंग में वेट नहीं करना पड़ेगा और भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा आपका फोटोशॉप। तो आप इसको मिनिमम 80% तक रखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक हिस्ट्री स्टेटस नाम का ऑप्शन है, ये देखिए ये किस काम में आता है। आप लोग को पता है जब भी हम किसी भी फोटो पे काम करते हैं या फिर किसी भी पीएचडी में काम करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं फोटोशॉप में, तो हम जब भी कंट्रोल जेड करके बैक जाते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड करके बैक जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हिस्ट्री स्टेटस होता है। तो फोटोशॉप उस कंट्रोल जेड करने वाले जो ऑप्शन को वो कहीं ना कहीं सेव करके रखता है, उसकी वजह से भी हमारा फोटोशॉप काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हिस्ट्री स्टेटस का जो ऑप्शन है, आप इसको मिनिमम 25 तक ही रखिए, क्योंकि हम 50 बार तक इतना काम करते ही नहीं है अपनी फोटोज़ में कई बार कि हमें 50 बार तक स्टेप बैक जाना पड़े। हम मुश्किल से 5-6 स्टेप या 10-15 स्टेप या 20-25 स्टेप करते हैं, तो आपको उसमें भी कई बार स्टेप बैक जाना पड़ता है, कई बार नहीं जाना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि इस हिस्ट्री स्टेटस की वजह से आपका जो फोटोशॉप है वो काफ़ी ज़्यादा आपका हिस्ट्री को सेव करके रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका फोटोशॉप और भी ज़्यादा स्लो हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे हिस्ट्री स्टेटस का जो ऑप्शन है इसको आप 25 ही रखिए, ओके। और यहाँ पे देखिए कई सारे लोग को प्रॉब्लम आती है कि फोटोशॉप में हम जब भी पीएचडी के साथ खासकर कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं पीएचडी के साथ या फिर वेडिंग एल्बम बनाने के टाइम पे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हमारा फोटोशॉप ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है। तो उस क्रैश फोटोशॉप को क्रैश होने से बचाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखिए एक लेगेसी कंपोजिटिंग का एक ऑप्शन है, आपको इसको चेक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोटोशॉप है वो क्रैश नहीं होगा। बस आपको इतनी सारी इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है और उसके बाद आपका इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप अपना फोटोशॉप एक बार वापस से रिस्टार्ट कर लीजिए, कि अब इसमें आप कुछ भी काम करेंगे तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट और ईजी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को और भी बता देता हूँ कि हमारा जो फॉन्ट्स होता है उसकी वजह से भी हमारा जो फोटोशॉप है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, जो आपके फॉन्ट्स हैं वो आप अपने यूजेस के हिसाब से ही लोड करके रखिए, मतलब जितने फॉन्ट्स आपको यूजेबल है सिर्फ उतने फॉन्ट्स को ही इंस्टॉल करिए। कई बार क्या होता है लोग बाग जो है फॉन्ट्स, अगर वो एक फॉन्ट्स डाउनलोड किए या फिर उनके पास है तो वो पूरा का पूरा फोल्डर ही अपलोड कर देते हैं, उसमें से मुश्किल से 10-15 फॉन्ट्स काम के होते हैं, बाकी वो काम के होते ही नहीं है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी फॉन्ट्स वगैरह इंस्टॉल करें अपने फोटोशॉप में, उतने ही फॉन्ट्स को इंस्टॉल करें जितना आपके काम का है, जो काम का है फॉन्ट्स नहीं है आप उस फॉन्ट्स को इंस्टॉल ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जब भी कभी हम लेके आए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।